ट्रक रुकवा कर शराब के लिए मांगे रुपए चालक ने मना किया तो की मारपीट चालक की गले से सोने की चेन एवं अड़सठ हजार पाँच सौ रुपए लूट ले गए बदमाश धम्बोला पुलिस थाने में पांच बदमाशों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें धम्बोला पुलिस थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में लिखी मोड़ के पास एक ट्रक चालक से लूट और मारपीट का मामला सामने आया है ट्रक चालक ने पांच बदमाशों के खिलाफ धम्बोला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है सीआई हजारीलाल मीना ने बताया कि मालाखोलडा निवासी भरतलाल पुत्र शंकर खोखारिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि वह मालाखोलडा का निवासी होकर चालक का, का काम करता है वह फिलहाल सीमलवाड़ा पूर्व सरपंच रूपचंद भगोरा के ट्रक पर नौकरी करता है गुरुवार रात को करीब दस बजे ट्रक लेकर बीजापुर से सीमलवाड़ा आ रहा था उस समय मांडली से पाडली वीर सिंह निवासी दयालचंद पुत्र वक्सी कटारा पार्डली गुजरेश्वर निवासी पृथ्वी सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह अशोक कटारा कटारा कैलाश ने मोटरसाइकिल से ट्रक का पीछा किया सीमलवाड़ा बाल विकास परियोजना कार्यालय सीमलवाड़ा के पास आकर ट्रक रुकवा कर चालक से शराब के लिए पैसे मांगने लगे जिस पर मैं चालक ट्रक लेकर आगे निकला लेकिन बदमाशों द्वारा फिर से पीछा कर लिखी मोड़ पर ट्रक को रुकवा लिया चालक पर जानलेवा हमला कर उसके गले से सोने की चेन व नकद अड़सठ हजार पाँच सौ रूपए लूट लिए बदमाशों ने ट्रक के एक कांच तोड़फोड़ कर बॉडी को नुकसान पहुंचाया। चालक की हत्या करने की नियत से उसके सर पर लट मारा जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा इस दौरान रतनपुरा निवासी विभीषण भगोरा अन्य लोग मौके पर आ गए जिन्होंने बेहोशी की हालत में चालक को सामान्य चिकित्सालय सीमलवाडा में भर्ती कराया मामले की जांच एसटीएससी सेल पुलिस उप अधीक्षक मनोज सामरिया कर रहे हैं